हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल लोकेश सिंह पर। मैं हूँ लोकेश, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो जैसे कि सारे मित्र किसान भाई अक्सर ये सोचते होंगे, जब हम फसल लगाते हैं या फिर कोई भी फसल लगाने के बाद जब उसका समय आता है, जैसे कि सोयाबीन हुई, चना हुआ और ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिनमें रस चूसक कीट लगते हैं या फिर इल्लियाँ लगती है, तो भैया इल्लियाँ किस कारण से लगती है और क्या क्या वो समस्याएं हैं जिनकी वजह से हमारी फसल में इल्लियाँ ज़्यादा लगती है। तो सबसे पहले आज हम इल्ली का सर्कुलेशन समझेंगे कि भाई इल्ली आती कहाँ से है और कैसे ये पनपती है और कितने दिन हमारे खेत के अंदर ये रहती है और हम किस तरीके से स्प्रे करें कि भाई जो हमारी फसल है, जैसे कि चना है, सर्दियों में चना हम अपने एरिया में सबसे ज़्यादा बोते हैं, बुआई करते हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा तो सोयाबीन या मक्का, फिर भी जिसमें भी इल्लियाँ लगती है उसका सर्कुलेशन हमें समझना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें एक आइडिया हो जाता है और उसके अनुसार हम दवाई का स्प्रे सही तरीके से सही समय पे कर पाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए पूरी वीडियो के साथ ताकि आपको इस जो इल्ली का सर्कुलेशन है उसकी पूरी जानकारी हो। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली जो जानकारी है वो आपसे छूटे ना। तो दोस्तों वीडियो को बनाते हैं खास और शुरू करते हैं नो बकवास। तो दोस्तों जैसे कि सबसे पहले अपने को इल्ली का सर्कुलेशन समझने के लिए तितली का सर्कुलेशन समझना पड़ेगा कि भाई तितली किस प्रकार से बनती है, और जो इसका सर्कुलेशन समझेंगे उसके बीच में ही हम इल्ली का सर्कुलेशन भी समझेंगे। अब भैया तितलियाँ किसको पसंद नहीं है, तितलियाँ सबको पसंद है क्योंकि तितलियाँ बहुत सुंदर होती है और ये बहुत लुभावनी भी होती है, अक्सर बच्चों और बड़ों को ये सबको पसंद आती है। जब भी कहीं फूल दिखता है उस पर कोई तितली बैठती है तो भाई वाह क्या सुंदर है तितली भाई। तो इसी से भाई इल्ली बनती है। अब ये कैसे बनती है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमारी ज़मीन के अंदर पूपा नाम का एक जीव पाया जाता है, इसके माध्यम से तितली बनती है। अब तितली से इल्ली कैसे बनती है ये समझते हैं। तो जैसे कि तितली फसल पे भी होती है, फसल के अंदर से ही ज़मीन में से ये इसका लार्वा जो पूपा है वो आसपास पहले से ही रहता है। जब भी ये तितली कहीं पे भी बैठती है तो वहाँ पे बी करती है, पीट करती है, अपना जो लार्वा छोड़ती है। ऐसा नहीं है कि भाई हर समय लार्वा छोड़ती है, पर जब इनका टाइम हो जाता है, क्योंकि जो तितली की एज है वो करीबन एक महीना ही होती है, मतलब कि कुल मिला के एक महीना ही जीती है। गिनी चुनी तितलियाँ होगी जो कि साल भर टिकती है, वरना कोई सी भी नहीं है। तो ये तितली एक महीना जीवित रहती है, तो लगभग इनका जो अंडे देने का टाइम है वो बहुत जल्दी आ जाता है। तो ऐसे में क्या है कि ये जहाँ भी पीट करती है, बैठती है, वहाँ पे अपने लार्वा छोड़ती है। इनका लार्वा अंडे कितनी भी संख्या में हो सकता है क्योंकि हमें पता नहीं होता। अब लार्वा कैसा होता है भाई, लार्वा बिल्कुल बारीक होता है, छोटा होता है, एकदम पानी जैसा होता है, एकदम आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये लार्वा है। फिर भी आप देख सकते हो, मैं दिखा सकता हूँ भाई, लार्वा ऐसा होता है। जब लार्वा छोड़ती है तितली तो कहीं भी छोड़ सकती है, पत्ते पे, ऊपर, नीचे, आगे पीछे, कहीं भी हवा में भी, जो कहीं भी जाके गिर सकता है। तो उससे क्या होता है कि फिर वो जहाँ होता है लार्वा, वहीं या तो पत्ते पे, तो पत्ते के चिपक जाएगा, पत्थर या घास वगैरह जो भी हो उस पे चिपक जाता है। अब ऐसे में किसान क्या करते हैं कि भाई जो स्पाइडर होता है, गूंद होता है, चिपको होता है, बहुत सारे किसान हैं जो कि चिपको नहीं डालते, तो उसमें एक तरह से चिपको जब जाता ही नहीं है तो भाई जो लार्वा है वो ख़त्म ही नहीं होता उनकी दवाइयों से, और वो जो मार्केट की दवाइयाँ लाते हैं वो लार्वे के लिए बिल्कुल होती ही नहीं है, वो सिर्फ इल्ली के लिए होती है। तो फिर भी मैं आगे बताता हूँ भाई, जो गूंद नहीं डालते, चिपको नहीं डालते, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं अपनी फसल का, और 3 से 4 बार स्प्रे भी वही सबसे ज़्यादा करते हैं। तो जब लार्वा बड़ा होता है तो वो एकदम टाइट हो जाता है, जब टाइट हो जाता है, चिपक जाता है पत्ते के, तो वो धीरे धीरे करके जब बड़ा होता है, लार्वा जो चलता है वो 3 हफ्ते का होता है, और 3 हफ्ते के अंदर जब वो उस लार्वे से जब बच्चा बाहर निकलता है, जिसे आप तितली का बच्चा भी बोल सकते हो, वो एक इल्ली के रूप में बाहर निकलता है, और जब इल्ली बाहर निकलती है उस अंडे से तो वो तुरंत फसल को खाना चालू कर देती है, और जो इल्ली होती है उसका सर्कुलेशन रहता है 1 महीने का। भाई 1 महीने तक इल्ली जो अंडे से बाहर निकलती है वो 1 महीने तक आपकी फसल को नुकसान पहुंचाती है, और जब आप इसका स्प्रे करते हो किसी भी कीटनाशक का तो उससे क्या है इल्ली ख़त्म हो जाती है। पर इंडिया के अंदर
15,000 से भी अधिक इल्ली की तितली की प्रजातियां पाई जाती है, जो अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से, मतलब कि अलग अलग जगह पे लार्वा देती है। अब ये पता नहीं है भाई कौन सी तितली कब लार्वा छोड़ती है नहीं छोड़ती है। ऐसे में क्या होता है कि भाई जो आपकी जो फसल पे इल्ली दिखती है वो अलग अलग समय पे दिखती है, तो जब उसका लार्वा छूटा जाता है तो यहाँ पे हमें नुकसान देखने को मिलता है। इस वजह से हमें ऐसी दवाइयों का सिलेक्शन करना होता है, चुननी पड़ती है, जिनका रिजल्ट लंबे टाइम तक हो। ऐसे में जब वो लार्वा जब इल्ली बन जाती है तो इल्ली का जो जीवन काल है वो 1 महीने का रहता है, और 1 महीने के बाद वो क्या करती है, किसी भी सूखे स्थान पे जाके या फिर किसी भी टहनी पे जाके एक ऐसा गोल सर्कुलेशन बनाती है और उसके अंदर बैठ जाती है, उसे बोलते हैं पूपा। तो वो करीबन 4 हफ्ते तक उस पूपे के अंदर बैठी रहती है। अब ये पूपा जो साइड में दिख रहा है ये आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है, टहनी पे भी लटका हुआ मिल सकता है, ज़मीन के अंदर भी मिल सकता है, या अदर कहीं पे भी। अब इसके अंदर से जब तितली बाहर निकलती है, मतलब कि जब उस पूपे को तोड़ के जब इल्ली बाहर निकलती तो एक सुंदर बटरफ्लाई के रूप में बाहर निकलती है, और जो उसके बाद जब तितली बाहर निकलती तो बहुत सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही मज़ेदार दिखाई देती है, और हम इसे तितली बोलते हैं भाई, तितली बोलते हैं। तो इस प्रकार से तितली और इल्ली का सर्कुलेशन है कि भाई इसको समझे बगैर आप दवाई ना डालें। सबसे पहले इसमें आपको डालना पड़ेगा भाई लार्वे को भी मिटाने का आपको डालना पड़ेगा, और किसान भाई जरूर से ध्यान दे, गूंद जरूर से डाले, चिपको जरूर से डाले, भले हल्का डाले, कोई सा भी डाले, बायो 99 डालें, क्योंकि बायो 99 है प्योर सिलिकॉन बेस और 99% है बायो 99 में आता है, इसके आगे पीछे कोई सा भी चिपको टिकने वाला नहीं। ये बायो 99 क्या करता है, 15 सेकंड के अंदर आपकी पूरे पौधे पे चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे लेमिनेट कर देता है दवाई को, और ये लार्वे इल्ली रस चूसक कीट सबको एकदम ख़त्म कर देता है। आप बायो 99 को प्रत्येक जो भी स्प्रे है उसके साथ यूज़ कर सकते हो। तो ये था आज का मतलब कि इल्ली का सर्कुलेशन, भाई इल्ली को कैसे समझें और क्या काम, मतलब कि कैसे हम दवाइयों का सही चुनाव करके सही तरीके से स्प्रे कर सके, सही टाइम पे कर सके। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और कोई समस्या है तो कमेंट करके बताएं, और फिर भी कुछ समस्या है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ है आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।